जानना चाहूँगा आज प्रीमियम ने सोलर फिल्म का कहना चाहेंगे क्या इंस्पिरेशन था आपको ये फिल्म को बनाने के लिए और कितना बड़ा चैलेंज था ये? अफकोर्स चैलेंज तो था, इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करना था। और सोहरा का इंस्पिरेशन मतलब रिलेशनशिप पे मैंने कई फिल्में बना ली हैं, तो एक अलग एंगल से इसको देखना चाह रहा था मैं। ये पोस्ट डिवोर्स लव स्टोरी है, लोग जो बिछड़े उनके मिलने की कहानी है। और जब रियलाइज़ होता है, जब प्यार मर जाता है, तो प्यार का वो पिशाच बन के प्रेमिक उनके सर पर बैठ जाता है। उसमें से छूटने वाली जो बात है, जब कोई गलती हो गई है, सालों हो गए, गलती से कुछ डैमेज हुआ है रिलेशनशिप में, और एक रियलाइजेशन का पॉइंट होता है कि आदमी रियलाइज करता है कि सारी गलती तो मेरी उसकी नहीं थी। और अब वो रियलाइजेशन के बाद जो सुकून मिलता है और जब आगे ज़िंदगी निकल जाती है, उसकी ये कहानी है। डेफिनेटली USP है। विक्रम जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया, सचिन जी के साथ मैंने पहली बार काम किया था, और मुझे बड़ा मज़ा आया इनके साथ करते हैं। मुझे अपने एक्सपीरियंस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली इनके साथ काम करते करते। और दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स, दे आर फ्रेंड्स, और बहुत कोऑपरेटिव रहे। और जो रिज़ल्ट आज पर्दे पर दिख रहा है वो इन एक्टरों का तो है ही। आई डोंट नो, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ और मेरे लिए सारे प्रोड्यूसर एक जैसे। मैं हिंदी फिल्म मराठी फिल्म ऐसा फ़र्क ज़्यादा नहीं करना चाहता। एक मीनिंगफुल सिनेमा जो भी बना रहा है जहाँ भी है, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री। हाँ, सोहळा ही एक रिअलायझेशनची गोष्ट आहे। आयुष्यामध्ये काही चुका घडतात, त्या चुकांचं एक रिअलायझेशन येतं, तोवर बऱ्याच गोष्टी डॅमेज झालेल्या असतात, पण रिअलायझेशन येण्याचा जो क्षण आहे तो सेलिब्रेशनचा क्षण आहे। माणूस शहाणा होतो आणि पुढच्या प्रवासाला निघतो। तर ही पोस्ट मॅरिटल लव्ह स्टोरी असं आपण याला फार फारसं म्हणू शकू। आणि मला असं वाटतं की खूप दिवसांनी एक असा सिनेमा ऐकायला मिळेल ज्याच्यामध्ये ती मेलडी असेल, तसे संवाद, तसा अभिनय आणि एक एक छान अनुभव तुम्ही घेऊन परत जाल। सचिनजी बरोबर मी पहिल्यांदा काम केलं आणि माझा एक्सपिरियन्स खूपच फारच सुंदर राहिला। अत्यंत शिस्तप्रिय, शिस्तबद्ध अशा नटाबरोबर मी काम केलं असं मला वाटतंय। विक्रमजींची माझी दोस्ती आहे, आम्ही याच्या आधी अनुमती केला होता, अनेक सिनेमे आम्ही एकत्र केलेले, अनुमतीसाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार आहे अभिनयाचा। तर अशा एका चांगल्या ॲसोसिएशनमधनं आम्ही आलेलो आहोत। तर मला असं वाटतं की माझ्याही वैयक्तिक अनुभवांमध्ये समृद्धी आली त्याने, आणि एक छान सिनेमा केल्याचं समाधान आहे, आणि या चांगल्या ॲक्टर्सबरोबर केल्याचं समाधान आहे। एक्साइटमेंटही नाही आणि नर्वसनेसही नाही आहे, याचं कारण मी ह्या अनुभवातून अनेकदा गेलेलो, सिनेमे बनतात, सिनेमा बनला आहे आणि आता तो लोकार्पण झाला आहे, लोकांपर्यंत गेला आहे। आता लोकांनी ठरवायचं सिनेमा कसा वाटला, माझी मेहनत फळाला येते नाही येते, बॉक्स ऑफिसवर त्याचा किती मोठा रिफ्लेक्शन येत आहे किंवा काय। आणि मराठीमध्ये चांगले सिनेमे चांगले चालत आहेत ही आत्ताची सद्यस्थिती आहे। मागच्या महिन्यामध्ये आपण बघितलं, चार चांगले उत्तम दर्जाचे सिनेमे चांगला व्यवसाय करून गेले, आणि आजही दोन चांगले सिनेमे आलेले आहेत, त्यांचाही रिपोर्ट चांगला आहे। सो चांगला सिनेमा असेल तर चांगला प्रेक्षक तो चांगल्या पद्धतीने घेतो, हा अनुभव आहे। थँक्यू। एक तो ये फिल्म मेरे पास एक नाटक के रूप में आई थी, साल बाद, एक साल बाद मुझे गजा ने अप्रोच किया कि नहीं हम प्ले नहीं कर रहे हैं अभी, बट हम फिल्म बनाएंगे। और ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छा 20 साल के करियर में मैंने 10-12 फिल्म्स ही की है, सो आई हैव बीन वेरी चूजी एज टू क्या सिनेमा के तौर पे क्या करना है और क्या नहीं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्टर है, इनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, सो बहुत ही मन किया। प्लस कास्ट इनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी, या ना कि सिर्फ लीड एक्टर्स, मतलब सचिन जी हैं जो मेरे सीनियर हैं, मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उनके साथ दोबारा काम करने का मौका, स्क्रिप्ट अच्छी, डायरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग, और छोटे छोटे रोल्स में भी आप देखेंगे मोहन जोशी है जो बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, उसके साथ विक्रम काका है, विक्रम गोखले जी। सो ऐसा मौका कौन गवाएगा। थैंक
आज के दौर पे क्रेज है ऐसा नहीं है, मराठी फिल्मों का तो क्रेज हमेशा से रहा है. एज एनी इंडस्ट्री द मराठी इंडस्ट्री ऑल्सो हैज गॉन एंड थ्रू इट्स अप्स एंड डाउन्स. और कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म अब यहाँ पर भी बन रही हैं, बहुत हिम्मत से लोग बना रहे हैं, तो इस बात की बहुत खुशी है ऑब्वियसली. और के सी बुकाड़िया जी से की तरह मुकेश जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं. सो ऐसे लोग अगर इंडस्ट्री में आए तो बहुत बड़ी इच्छा और गहरी इच्छा है मेरी कि ये फिल्म चले. इसलिए कि किस कलाकार को नहीं लगता कि उनकी फिल्म चलनी चाहिए, बट अगर ऐसी फिल्में चलेंगी जहाँ पे नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मराठी इंडस्ट्री में, तो और भी फिल्में बनेंगी. या थैंक यू. एक तो सोहड़ा नाम की जो फिल्म है वो गजेंद्र अहिरे जी ने डायरेक्ट की है और लिखी भी है, और मुझे एक अलग रोल करने का अवसर मिला है इस फिल्म के द्वारा. केसी बुकाड़िया ने ये फिल्म जो है वो प्रेजेंट की है. बुकाड़िया साहब बहुत पुराने निर्माता निर्देशक हैं हमारी भारतीय चित्रपट सृष्टि के, और उन्होंने काफ़ी योगदान है रहा है उनका. तो मेरे हिसाब से एक अच्छी शुरुआत भी मिली है इस फिल्म के रिलीज़ को. आज हालांकि हॉलिडे नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी खासी ओपनिंग मिली है इस फिल्म को, और बुक माई शो ने भी बहुत सारे स्टार्स दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फिल्म रन ऑफ द मिल की फिल्म नहीं है. ये फिल्म हटकर है, और आजकल हटकर जो फिल्में होती हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे हैं आजकल. तो मैं समझता हूँ ये सही वक्त है, और साल के पहले हफ्ते में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, जिसका मुझे बहुत आनंद है, खुशी है. देखिए, सेंसिटिव इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे फिल्म बनाना कितना अहम है या ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उन इश्यूज पे अच्छी फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ. और लोग जो है वो अच्छी फिल्म को ही सराहते हैं, जो नहीं अच्छी होती है उनको वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. तो उनको जब तक के हम एंटरटेन नहीं कर पाते या उनको ऐसी बात नहीं कहते जिसमें उनको वो चीज़ अच्छी ना लगे, तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते. तो ऑडियंस आजकल बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं आजकल के, उनको फोटोग्राफी से लेकर हर चीज़ का नॉलेज जो है वो होता है, इसलिए बहुत दक्ष रहना पड़ता है हमको भी फिल्म बनाते हैं. नहीं, मैं सिर्फ मराठी से क्यों बोलूँ, मैं तो बोलूँगा जितनी भी भाषिक फिल्में हैं, जैसे मराठी है, उड़िया है, आसामीज हैं, बंगाली हैं, उन सारी फिल्मों से एक दूसरे को हमको सीखना बहुत ज़रूरी है. तो दो बार क्यों बुला रहे हो यार? सोहळा हा चित्रपट आज रिलीज होता है, आणि या चित्रपटाला खूप छान रिस्पॉन्स मिळतोय हे पाहून मला खूप आनंद आहे. हा चित्रपट मी केलेला आहे, के सी बुकाड़िया साहेबांनी हा चित्रपट प्रेझेंट केला आहे, गजेंद्र अहिरेनी हा चित्रपट डिरेक्ट केला आहे, आणि त्या दोघांनी मिळून खूप मेहनत घेतलेली आहे. आणि आम्ही पण काम केलेलं आहे, मी आहे, शिल्पा तुळसकर आहे, विक्रम गोखले आहेत, मोहन जोशी आहेत, आम्ही सर्वांनी मिळून आपापला हातभार या चित्रपटाला लावलेला आहे, आणि हा चित्रपट लोकांच्या पसंतीस उतरेल अशी मला खात्री वाटते. भाई बहन सैन के साथ फिल्म बनाने की तमन्ना थी, तो उसके बाद में ये गुंदेचा जी आओ हमारे पार्टनर है, इनके साथ मिलके किया, इनके साथ मार्केटिंग किया, और सब मिलके सर धूम मचा देंगे मराठी में, एक के बाद एक बनाते रहेंगे, बस इतना ऐसा इरादा है, बाकी ईश्वर की मर्जी है. आपका एक्साइटमेंट, नर्वस क्या लग रहा है? कुछ नर्वस क्या है यार, पहली बार कर रहे हैं क्या? जितनी आपकी एज है उससे डबल पिक्चर बना लिया मैं, रोज रिलीज, हर हफ्ते, हर महीने करते हैं क्या? ये बात अच्छी है कि जिंदगी में लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है,
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो, लेकिन केसी साहब तो बहुत पुराने परिंदे हैं, उनको उड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों को उड़ाने में बहुत मजा कर रहा हूँ सर। आप बस पब्लिक का ब्लेसिंग चाहिए आप लोगों का, और बस आप लोग देखें सराए अप्रिशिएट करें, जरा हौसला बढ़ाए तो मराठी के लिए आई एम जस्ट लाइक न्यू कमर की तरह, पहली फिल्म चलेगी तो और बनाएंगे चार पिक्चर, और मुझे पूरा उम्मीद है सब ने पूरी मेहनत की है, स्पेशली हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, मैं तो प्रेजेंटर हूँ फिल्म का, और फिर गौतम जी ने, राजेंद्र जी ने, सचिन जी ने, हर आदमी हीरोइन ने, सब ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया। फिल्म के बारे में कुछ आप बताना? फिल्म तो आप देख रहे हो ना, अभी आप बोलना फिल्म कैसी है। हाँ, फिल्म आप बोलना। बहुत अच्छा मूवी है और मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी देख के, 5 out of 5 stars, बहुत अच्छा मूवी है। That's a very nice movie, and we appreciate. And in future, we want to like this type of movie, so it will be better. You understand the language? Yes, yes. मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन मैंने पूरा पिक्चर की 40 मिनट की ट्रेलर देखी है, उससे एक्शन से ही मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये पिक्चर कैसी है। एक्शन से ही मतलब, नहीं जिसको भाषा नहीं आती है वो भी देख सकता है, एक्शन से ही मालूम पड़ जाता है क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। और क्या कहूँ आप, और बाकी पूरा मार्केटिंग का जिम्मा दिया है को बोकड़े ने, तो आगे देखते हैं क्या होता है, और यही अपना इसी हिसाब से लग रहा है। मतलब बिना जो हिंदी नहीं जानता वो भी देख सकता है इसको, ये बागवान की तरह जो बागवान बनाई थी अमिताभ जी ने, उससे मिलती जुलती फिल्म है। पहली फोटो किसी ने देखी होगी मेरी वाइफ की, फैमिली यार हमारे सीन का प्रोड्यूसर, आओ सर आओ ना। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, लाओ मनोज जी आओ। थैंक यू।